नारी सम्मान कितना जरूरी है आज के टाइम में, और आपके लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी लाइफ में तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरे घर में ही माशाल्लाह बहुत सारी औरतें ज़्यादा है। पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकता, मतलब यू नो आई यूज़ टू थिंक मैं पेरेंट्स पे क्यों नहीं जा सकता, बट आई थिंक आदमी जात की शायद उतनी औकात नहीं है जो इतना सब कुछ झेल सके, उसके बाद में भी बहुत सारा यू नो ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठा सके। सो आई थिंक नारियों का सम्मान एक दिन नहीं हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो आज के टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना? और जोमेटो का वीडियो जोमेटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं, बट खैर नहीं ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। औरतों का सम्मान होना चाहिए, आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है। तो अभी कहते हैं ना ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो, क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है यार। सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन। फैजल, आप जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद अब हम जो है बहुत सारे आपके डांसिंग के वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके अगर कुछ शेयर करना चाहें? यस, मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज करने वाला हूँ एंड होपफुली उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियली करूँगा। सो लेग इंजरी के बाद में एक डांस बेस्ड वेब सीरीज़ करना मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप है, क्योंकि डांसर हूँ तो यू नो डांस हमेशा कनेक्शन में रहेगा। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई विल रिवील इट सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।